नमस्कार, संजय शर्मा ऐप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये यूपी लेखपाल की इम्पोर्टेंट सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले यहाँ 6 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम ये वीडियो नंबर 7 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखें। 5 प्रेक्षणों एक्स एक्स प्लस टू एक्स कॉमा एक्स प्लस टू कॉमा एक्स प्लस फोर कॉमा एक्स प्लस सिक्स कॉमा एक्स प्लस एट का माध्य 11 है, तो पहले 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे दो दो का डिफरेंस सभी जगह पे, अगर इनका लगातार दो नंबर्स का डिफरेंस लें तो कितना है? दो दो का डिफरेंस है। तो ये है सीरीज जो दी गई है यहाँ पे, ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर माध्य में है। और समांतर माध्य का औसत कहें या माध्य कहें या मीन कहें, एक ही बात है। तो औसत बराबर होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे दो। पहली संख्या आखिरी संख्या x प्लस एट बटे दो, ये है मीन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीन होता है पहली संख्या आखिरी संख्या बटे दो, लेकिन यहाँ पे मीन दे रखा है कितना है? 11 है, इक्वल टू 2x प्लस 8 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 हो जाएगा बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 11 प्लस का 4 इधर आ जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 7 हो जाएगा, x की वैल्यू 7। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहली संख्या हो जाएगी 7, दूसरी 7 2 9, 7 4 11, 7 6 13, 8 7 15। तो ये यहाँ पे संख्या पहली दूसरी तीसरी चौथी संख्या हो गई, लेकिन हमें पहली 3 संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो ये भी कैसी हैं? समांतर श्रेणी में ही। तो पहली 3 संख्याओं का माध्य यहाँ पे देख सकते हैं, मीन। मीन मीन्स औसत ही होता है, कंफ्यूज ना हो। तो पहली संख्या आखिरी संख्या बटे दो, 7 प्लस 11 बाई 2, 11 7 18 बटे दो, 2 9 18 9 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन, कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ के 5 से भाग देंगे, बराबर 11 रखेंगे, तो भी उसका आंसर यही आएगा जो हमने निकाला है। और जैसे ये निकल आएगा, तो 3 संख्याओं का माध्य निकालने के वो लोग क्या करेंगे? तीनों को ऐड करके बटे 3 करेंगे, आंसर सेम आएगा, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्क्रीन पे। यदि एक्स की पावर 1/a, y की पावर 1/b, z की पावर 1/c। क्वेश्चन नंबर 2 है, x की पावर 1/a इक्वल टू y की पावर 1/b इक्वल टू z की पावर 1/c। यहाँ पे दे रखा है a प्लस b प्लस c का, यहाँ पे मान हमें बताना है a प्लस b प्लस c। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x, y, z 1 को सेटिस्फाई कराना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो क्राइटेरिया दिया है इसके बराबर हम k मान लेंगे, कांस्टेंट k मान लिया। तो अगर हम पहले और आखिरी को बराबर बराबर लिख लें, तो हमारा ये हो जाएगा x की पावर 1/a इक्वल टू k। x इक्वल टू अगर हम फाइंड करें तो k की पावर हो जाएगा, कोई भी पावर बाएं से दाएं या दाएं से बाएं आती है तो पलट जाती है, ये हो जाएगा a अपॉन 1, मीन्स a हो जाएगा a अपॉन 1 लिख लें या a लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। y बराबर हो जाएगा k की पावर यहाँ b हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा k की पावर c। सिमिलरली तो जैसे x बराबर हमने आपको समझाया, y और z की वैल्यू सेम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हमें
एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू हमें पुट करना होगा k की पावर a इंटू k की पावर b इंटू k की पावर c इक्वल टू 1। गुणा में घातें ऐड होती हैं ड्यूरिंग मल्टीप्लाई एडिंग ऑल पावर्स, तो k टू द पावर हो जाएगा a प्लस b प्लस c। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है, किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख लें k की पावर 0 तो इसका मान हो जाएगा 1। यहाँ पे k टू दी पावर 0 लिख लिया। बेस आप देख रहे हैं दोनों जगह पे इक्वल है, तो घातों की तुलना करने पर कंपेयरिंग द पावर्स तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 3। एक आयताकार पेपर है 11x4 का, जिसको मोड़ कर एक बेलन 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनाया गया है, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखें स्क्रीन पर, हमने सबसे पहले एक शीट बना ली, एक पेपर, ये है 11x4 का, 11 सेंटीमीटर लंबा है और 4 सेंटीमीटर यहाँ पे चौड़ा दिया है। अगर हम इसको फोल्ड करके इस फॉर्म में ऐसे गोल बना लें इस फॉर्म में, तो ये जो है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई यही रहेगी और ये जो गोल बन जाएगा जो फोल्ड होके आएगा वो 11 सेंटीमीटर होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर इससे हम बेलन बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से बनेगा, तो ये ऊंचाई हो जाएगी, ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दी है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई। जो यहाँ पे आधार था या लंबाई थी वो फोल्ड होके गोल हो गई है, तो ये क्या बन गया है, सरकमफेरेंस या परिधि। परिधि यहाँ पे दी है 11 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस कहते हैं 11 सेंटीमीटर, ये सर्कुलर फॉर्म जो है वो कितना है 11 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इसका आयतन। आयतन बराबर होता है वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देख सकते हैं परिधि अगर 11 सेंटीमीटर है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, परिधि बराबर होता है 2πr इक्वल टू 11, 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर बराबर 11। 11 से काट सकते हैं, 11 दूना 22, तो r का मान हो जाएगा 7 बटे 2 दूना 4, 7 बटे 4 आ गया। रेडियस यहाँ पे रख लीजिए 22 बटे 7 इंटू रेडियस की वैल्यू 7 बटे 4 है, तो 2 टाइम्स यहाँ आर स्क्वायर है, 2 टाइम्स रख लेंगे इंटू एच। एच यहाँ पे 4 दिया है, 4 रख लिया। ध्यान से देखें, 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 से आप काट सकते हैं, ये हो जाएगा 11। 11 सते 77 बटे 2 आ जाएगा, तो इसको और डिवाइड कर लेंगे, 2 3 6 और 2 8 16, 2 5 10, ये आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो चलिए हम नया क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखें स्क्रीन पर, एक्स की पावर 13 प्लस 1 को जब हम एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। शेषफल अगर हम एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल यहाँ पे फाइंड करना है। जो डिवाइजर है उसको हम 0 मान लेंगे, यहाँ पे जिस नंबर से हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं उसको
जीरो मान लेंगे। मान लेते हैं ये इसका एक फैक्टर है, तो x माइनस वन को हमने मान लिया फंक्शन, x माइनस वन जीरो है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, माइनस का वन इस तरफ आ जाएगा तो वन। क्लियर है? अब यहाँ से रिमाइंडर फाइंड करना है, तो रिमाइंडर इक्वल टू जो डिविडेंड है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे x बराबर वन, तो ये हो जाएगा x की पावर 13 प्लस वन, इसमें हम x बराबर कितना रख दें, वन, वन की पावर 13 प्लस वन, वन की कितनी भी पावर हो वन आ जाता है, तो ये रिमाइंडर हमारा आ गया टू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव स्क्रीन पर देखें। एक पार्टी में 10 पुरुष हैं, यदि प्रत्येक इसमें से एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं या हाथ मिलाते हैं, सिर्फ एक बार हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी, हैंडशेक, कुल हैंडशेक, इसका फॉर्मूला देख लें, कुल हैंडशेक n n-1 y2, एन सी टू ऐसे होता है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, एन सी टू, वहाँ आपको हमें सी का पूरा कॉम्बिनेशन बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उससे बढ़िया है ये फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, इसको लर्न कर लें, वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एन क्या है, व्यक्तियों की संख्या है, एन व्यक्तियों की संख्या है। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो n इक्वल टू 10 पुट कर देते हैं, 10 इंटू 9 बाई 2, दो से डिवाइड कर दें, 9 पचे 45, टोटल हैंड शेक यहाँ पे हो जाएंगे 45। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा, यदि कोई भी क्वेरी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हमें आप संजय सर मैथ्स के टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, या संजय सर मैथ्स नाम से यहाँ पे टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं वहाँ पे।